हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 159, जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 2 फरवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास सेकंड के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है, तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है सप्ताह के दिन। बड़ा मज़ेदार है भैया रविवार का वार, इस दिन सारे वार मनाते छुट्टी का त्यौहार। तो भाई, सबसे अच्छा और सबसे मज़ेदार दिन कौन सा है? रविवार का दिन, क्योंकि इस दिन जितने भी वार हैं, यानी कि बाकी जितने भी डेज हैं, वो क्या करते हैं? छुट्टी का त्यौहार मनाते हैं। सोम और मंगल ने मिलकर पौधा एक लगाया, बुध और बृहस्पति ने उसको पानी खूब पिलाया। तो देखो बच्चों, सोम मतलब कि सोमवार यानी कि मंडे, और मंगल यानी कि मंगलवार मतलब कि ट्यूसडे। तो इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने मिलकर एक पौधा लगाया, और बुध और बृहस्पति बार ने, या बुध मतलब कि वेंसडे और बृहस्पति बार मतलब थर्सडे, तो इन दोनों ने क्या किया कि उस पौधे को पानी खूब पिलाया, मतलब कि उसमें बहुत पानी डाला। ठीक है, शुक्रवार बोला पौधे को थोड़ा सा दो पानी, और शुक्रवार यानी कि फ्राइडे ने क्या कहा कि पौधे को थोड़ा पानी दो। शनिवार ने खाद डालकर पूरी की मनमानी, और फिर शनिवार यानी कि सैटरडे ने क्या किया, सैटरडे ने उसमें खाद डाली और अपनी मनमानी पूरी की। तो चलिए आइए एक और पोयम देखते हैं। वन डे मंडे वेंट टू ट्यूसडे टू सी वेंसडे एंड आस्क थर्सडे टू टेल फ्राइडे एंड ऑल्सो सैटरडे दैट संडे इज अ फंडे। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन मंडे कहाँ गया? ट्यूसडे के पास गया। किसे देखने के लिए? वेंसडे को देखने के लिए गया। एंड आस्क थर्सडे, और उसने थर्सडे से कहा टू टेल फ्राइडे एंड ऑल्सो सैटरडे। उसने थर्सडे से क्या कहा कि फ्राइडे और सैटरडे को बताना दैट संडे इज अ फंडे, कि संडे कैसा दिन है? फंडे है, यानी कि एकदम मज़ेदार दिन है, जिस दिन सब मस्ती करते हैं। ठीक है, तो पहला है सोमवार। क्या है? सोमवार, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं मंडे, MONDAY, मंडे। दूसरा है मंगलवार, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे। तीसरा है बुधवार, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं वेंसडे। क्या कहते हैं? वेंसडे, WEDNESDAY, वेंसडे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे वेंसडे क्यों कहते हैं, वेडनेसडे क्यों नहीं कहते? बच्चों, यहाँ पर जो डी है, ये वाला, ये कैसा है? साइलेंट है। ठीक है, तो बोलते समय इसकी आवाज़ नहीं आती है, इसीलिए हम इसे पढ़ते हैं वेंसडे। ओके, नेक्स्ट है बृहस्पतिवार, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है थर्सडे। क्या कहा जाता है? थर्सडे, TUESDAY, थर्सडे। नेक्स्ट है शुक्रवार, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे। नेक्स्ट है शनिवार, इसे इंग्लिश में कहते हैं सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे। और लास्ट है रविवार, तो इसमें हम क्या कहते हैं? संडे, SUNDAY, संडे। तो अगर मैं आपसे अब पूछूं कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे मुझे? बिल्कुल सही बच्चों, सप्ताह का पहला दिन है सोमवार यानी कि मंडे, और सबसे लास्ट वाला दिन कौन सा है? रविवार यानी कि संडे। अच्छा, अगर मैं अब आपसे ये पूछूं कि सप्ताह का दूसरा दिन कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? सप्ताह का दूसरा दिन है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे। ठीक है, तो ये हो गया सोमवार पहला दिन, मंगलवार दूसरा दिन, बुधवार तीसरा दिन, बृहस्पतिवार चौथा दिन, शुक्रवार पांचवा दिन, शनिवार छठा दिन, और रविवार सातवा दिन। यानी कि एक सप्ताह मतलब कि एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मतलब कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ठीक है बच्चों।
तो चलिए बच्चों, अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं और उनके उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न है, आपको सप्ताह का कौन सा दिन सबसे अधिक पसंद है और क्यों? ऑडियो या वीडियो द्वारा अपने शिक्षक या शिक्षिका को बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपको पूरे वीक में कौन सा दिन ऐसा है जो सबसे अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है। तो ये बताते हुए आपको अपनी एक या तो वीडियो बनानी है या फिर अपनी एक ऑडियो बनानी है, ठीक है, और वो आपको अपने टीचर्स को भेजनी है, तो आप ज़रूर भेजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आपकी गणित की वर्कशीट सप्ताह के किस किस दिन आती है? बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आपकी जो वर्कशीट्स हैं वो पूरे वीक में यानी कि पूरे सप्ताह में 6 दिन आती हैं। कौन कौन से दिन? वो आती हैं मंडे और ट्यूसडे को और वेंसडे और थर्सडे, फ्राइडे को भी आती है और सैटरडे को भी आती है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया है कि किस किस दिन आपकी वर्कशीट्स आती हैं। संडे को आपकी वर्कशीट नहीं आती क्योंकि संडे तो फंडे होता है, तो उस दिन आप मस्ती करते हैं। अब आपको इन सभी डेज में से ये पता करना है कि कौन कौन से दिन ऐसे हैं जिस दिन आपकी मैथ्स की वर्कशीट आती है। कौन सी वर्कशीट आती है? मैथ्स की वर्कशीट यानी कि गणित की वर्कशीट, और ये आपको खुद से पता करना होगा। तो आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में देखना है कि किस किस दिन आपने गणित की वर्कशीट का काम किया है, या फिर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी देख सकते हैं कि आपकी मैम किस किस दिन आपको मैथ्स की वर्कशीट भेजती हैं, और उसके बाद जो भी वो दिन है उनका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, और ये आपको खुद से लिखना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इस वर्ष आपका जन्मदिन सप्ताह के किस दिन था या है? तो बच्चों, अब आपको ये बताना है कि जो आपका बर्थडे है, जिसका कि आप बहुत ज़्यादा वेट करते हैं, तो आपका जो बर्थडे है वो इस वर्ष यानी कि इस ईयर सप्ताह के कौन से दिन है, यानी कि वीक के कौन से डे में आता है। तो आप डेज नेम तो आप अच्छे से जान चुके हैं, तो आप जल्दी से कैलेंडर में ढूंढिएगा और बताइएगा कि आपका बर्थडे इस साल कौन से दिन था या फिर कौन से दिन आने वाला है, ठीक है। तो उसे आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, तो ये भी आप ज़रूर लिखिएगा, और ये आप हमें भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। प्रश्न 4, सप्ताह का पहला दिन सोमवार होता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। बच्चों, जैसा कि अभी हमने जाना था कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, तो सप्ताह का पहला दिन होता है सोमवार, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हमें नीचे जो तालिका दी हुई है उसे पूरा करना है। यहाँ पर हम एक चीज़ को और डिस्कस करेंगे कि पूरे सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो बच्चों, पूरे सप्ताह में होते हैं 7 दिन। कितने दिन होते हैं? 7 दिन। कौन कौन से? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ठीक है। तो सप्ताह का पहला दिन कौन सा हुआ? सोमवार हुआ। इसी तरह से अगला है सप्ताह का दूसरा दिन, तो सोमवार के बाद क्या आता है? बिल्कुल सही, सोमवार के बाद आता है मंगलवार। तो इसलिए जो मंगलवार है वो सप्ताह का दूसरा दिन होगा। अगला प्रश्न है, सप्ताह का चौथा दिन, ठीक है। तो पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार और चौथा दिन बृहस्पतिवार। तो इसलिए आप यहाँ लिखेंगे बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे। अगला प्रश्न देखिए, सप्ताह का छठा दिन। तो बच्चों, पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन बृहस्पतिवार और पांचवा दिन शुक्रवार। तो फिर छठा दिन कौन सा हुआ? छठा दिन हुआ शनिवार यानी कि सैटरडे, तो उसे आप यहाँ पर लिख देंगे। अगला देखिए बच्चों, सप्ताह का सातवां दिन कौन सा होता है? तो ये तो बहुत ही आसान है, तो इसे आप खुद से सोचकर यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों, अब आपको अपनी गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पेज नंबर 67 को करना है, तो ये भी आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।